और भाई सीन देखो, लो भाई साथ में आने का प्लान था, और ये देखो भाई, देखो मजे से लस्सी पी रहा है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल क्रेजी स्ट्रीट इज हियर। कैसे हो आप लोग, होप करता हूँ बढ़िया होंगे। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 बज रहे हैं। लोगों की संडे राइड मतलब सुबह 5 बजे या 6 बजे हो जाती है, और हमारी संडे राइड शाम को 5 बजे हो रही है। तो हमारा कुछ अलग ही सिस्टम चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, हमें थोड़ा सा काम था इसीलिए निकले थे। और भाई गर्मी मतलब गर्मी का मौसम चालू हो चुका है, क्योंकि अभी 5:30 बज रहे हैं तभी भी इतनी गर्मी लग रही है कि क्या ही बोले। और हमारे साथ एक दोस्त भी था, वो सामने गया है पेट्रोल डलवाने। तो काम एक्चुअली उसका ही था, उसको एक दफ़ा पार्सल देना था। तो बोला कि भाई आता है क्या, तो बोला चल भाई हम भी आते हैं, हमारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी एक वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि कल भी छुट्टी थी, कल भी वीडियो नहीं बनाया, तो सोचे कि आज बना लेते हैं। और उसको बोला था कि भाई आगे चले जा, तो पेट्रोल भरवा ले, तब तक हम भी आते हैं। तो क्या पता अभी कहाँ पर है, उसको एक बार फ़ोन करता हूँ। तो भाई अभी दोस्त को कॉल किया था, वो बोला कि हम बहुत आगे चले गए हैं, तुम आ जाओ पीछे से। तो चलते उसके पास। और भाई बहुत दिनों से इसकी सर्विसिंग पेंडिंग है, मतलब कल छुट्टी थी तो हम सोच रहे थे कि इसको सर्विसिंग डाल दें, लेकिन कल बिजी थे इसलिए सर्विसिंग नहीं करवा पाए। और आज टाइम था तो सर्विस सेंटर ही बंद था, तो सोच रहे हैं कि अगले शनिवार को सुबह सुबह जाएंगे, इसको सर्विस सेंटर डाल देंगे सर्विसिंग के लिए, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और भाई ये पुल का तो इतने दिनों से काम चालू है, मतलब दिनों से क्या सालों से काम चालू है, लेकिन अभी तक पूरा ही नहीं हो रहा है, क्या पता क्या चालू है इनका। लेकिन बहुत दिन हो गए, मतलब 2-3 साल हो गए होंगे, अभी भी स्टार्टिंग स्टेज पर ही है, यहाँ पर ही है, इसके ऊपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। और क्या प्रॉब्लम है, कुछ तभी लीगल प्रॉब्लम होगी या फिर हमें नहीं पता। और ये भाई साहब कितनी दूर चले गए क्या पता। तो भाई नज़ारा देखो, ये रहा सिन्नर का, क्या बोलते उसे, घाट, मराठी में तो घाट बोलते, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, क्या पता कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं। तो एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा है यार। तो भाई यहाँ से चलते धीरे धीरे ही, और यार देखो भाई बीच रास्ते में बस बंद पड़ गई। सुबह का टाइम दिखता है भाई कि बस सामने खड़ी है, तो रुकी हुई है कि भाई बंद पड़ गई है, लेकिन रात के टाइम ऐसा नहीं होता भाई। रात के टाइम अगर कोई फास्ट में हो, स्पीड में हो, तो गया भाई वो। तो दोस्त का कॉल आ रहा था, तो देखते वो कहाँ तक पहुँचा और हम कहाँ पर है। यहाँ पर रुक कर उसको कॉल करते, देखते क्या सिचुएशन है। तो भाई ऐसा लगता है कि हमारा पूरा टाइम इनको ढूंढने में लग जाएगा। अभी भाई ने कोई नई लोकेशन बताई है, वहाँ पर आ जा, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। एक कार का एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर, लेकिन हम स्पीड में थे इसे रुके नहीं। वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो हेल्प कर सकते थे। तो हमारे मित्र ने ये लोकेशन दिया था कि आप पुल पर मत चढ़ो, नीचे से आओ, नीचे से लेफ्ट मार लो सिन्नर गांव में।
तो चलो अभी वहाँ पर ही चलते घूमते। तो यहाँ से उन्होंने लेफ्ट बोला था, हम लेफ्ट जाते हैं, देखते हैं वो कहाँ पर है। तो भाई हम डायरेक्टली शायद मेन गांव में ही आ गए सिन्नर के। और भाई यहाँ पर बहुत सारे भीड़ लगी हुई है। लो भाई साथ में आने का प्लान था, और ये देखो भाई सब लस्सी पी रहे हैं। इनको ढूंढते ढूंढते आ गया हूँ, देखो मज़े से लस्सी पी रहे। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर ही दोस्त को पार्सल देना था। आपको बोर्ड दिख रहा होगा, नमो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और भाई साहब ने हमें फ्री में लस्सी भी पिलाई, फ्री का माल हम कभी ना ही छोड़ते। तो यहाँ से चलते हैं घर। और भाई बहुत भीड़ है यहाँ पर, मतलब पूरा मेन मार्केट है ये सिन्नर का। चलो भाई आप गांव छोड़कर आ गए हाईवे पर, अभी यहाँ से भगाएंगे थोड़ी सी। और अभी दिन बड़ा भी होते जा रहा है, मतलब अभी 6 बज रहे हैं। एक मिनट देख लेता हूँ, 6:18 हो रहे हैं, तभी भी बहुत उजाला है। नहीं तो भाई, और ये भाई साहब क्यों रुक गए? भाई साहब को चाय पीनी थी, मतलब भाई साहब लस्सी को ऊपर चाय पीते हैं, इतने इंटरेस्टिंग आदमी है। चलो चाय पीते फिर आपको मिलते हैं। तो भाई अभी निकले यहाँ से चाय चाय पीकर, मतलब बाइक का सिस्टम ही चालक है कुछ तभी। अभी अभी थोड़ी देर पहले लस्सी पी थी, लेकिन बाइक को चाय पीनी ही पीनी थी, तो चाय भी पी ली। अभी निकलते हैं घर, अभी हो रहे लगभग 6:30। और भाई सीन देखो, मतलब क्या पता अभी। एक तो कैमरा का एंगल पता नहीं होता, क्या पता कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं भाई, लेकिन एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है। और आज सिर्फ आप सिनेमैटिक्स के मज़े लो, मैं ये बात 3-4 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि पूरा स्ट्रेट रोड है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ नज़र एंजॉय करो। और अभी थोड़ी सी ठंड चालू हो गई है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ठंड लग रही है, वो भी इस वजह से क्योंकि पूरा खुला एरिया है, तो इसके वजह से थोड़ा सा ठंडी लग रही है। लेकिन जब सिटी में जाएंगे तो पूरा भाई गर्मी हो जाएगी। कॉर्नरिंग करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन भाई डर भी बहुत लगता है, क्योंकि हमारे पास कोई राइडिंग गियर्स नहीं, मतलब ना ही जैकेट है ना ही ग्लव्स है, सिर्फ एक हेलमेट है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉर्नरिंग करने में डर लगता है भाई। तो धीरे धीरे करके सब कुछ ले लेंगे, मतलब राइडिंग गियर्स ले लेंगे। और रात में भाई वाइजर बंद करके चलाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये वाइज़र ऐसा है कि सामने वाले की अगर लाइट इस पर पड़ जाए तो सामने का कुछ दिखता ही नहीं, तो वाइज़र खोल के ही चलाना पड़ता है। और अभी तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही, अभी तो शाम हो रही है, लेकिन रात हो जाए तो वाइज़र खोल कर ही चलाना पड़ता है, और ऊपर से धूल मिट्टी अंदर आती है वो अलग। तो इसीलिए सोच रहा था कि एक अच्छा वाला हेलमेट ले लूँ, तो आज वही सोच रहे थे कि एक हेलमेट ले लूँ, लेकिन संडे होने की वजह से जहाँ पर मैं जाता हूँ, जहाँ से हेलमेट लेना चाहता था वो बंद था, और दूसरी जगह पर गया तो जो कलर हमें चाहिए था वो नहीं था, क्योंकि हमें चाहिए था ब्लू कलर में हेलमेट, और उसके पास था नियॉन कलर। नियॉन कलर अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जो बाइक के थीम है ब्लैक एंड ब्लू, वो थोड़ी सी सूटेबल रहती है, तो इसीलिए सोच रहा था कि एक ब्लू हेलमेट ले लूँ। तो भाई अभी अंधेरा पड़ रहा है, तो अभी थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो मुझे वाइज़र खोल के ही गाड़ी चलाना पड़ेगा। और अगर वाइज़र खोल दिया तो आवाज़ आपको ठीक से आएगी नहीं, क्योंकि सारी विंड नॉइज़ आएगी। तो यहीं पर आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है भाई, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।